दोस्तों, ये प्रोपेगेंडा जो चल रहा है, हमको घबराया जा रहा है, डराया जा रहा है। अगर वोट अगर जो है नासिर उस्ताद को देंगे तो बीजेपी आ जाएगी। अरे भाई, बीजेपी खुद डरे हुई है कि इस बार जो है बातों बातों में इस बार हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं, कांग्रेस तो आउट है लेकिन नासिर उस्ताद जीत जाएगा। जो ख्यालत करने वाली शख्सियत हो, वो आज जो है इंग्लिश, उर्दू, कन्नड़ा, हर जुबान में लड़ने की ताकत अगर किसी में है तो नासिर उस्ताद उस्ताद में है। मैं वो लोग गुमराह करने के लिए तुम्हारे पास आएंगे, लेकिन इस बार का ऐसा माहौल नहीं है। सारे के सारे लोग जो 80% लोग आज की तारीख में नासिर उस्ताद की क़यादत को तस्लीम कर चुके हैं। मेरे इस्लामाबाद के भाई बहनों से, सभी से, या मेरी आवाज़ मीडिया के जरिए अगर हर जगह पहुंच रही है तो वहां पर भी मैं अपील करता हूं कि इस बार नासिर उस्ताद साहब को भारी अक्सर से जिताइए। This video presented by Peace Islamic International School Branch Hagraga Road and Misbah Nagar Gulbarga. Students getting education for both the worlds. Best academic English education. Diploma in Arabic. 2023 admission started. Contact and visit school for more details. आज के हमारे इस्लामाबाद में जो इतना आलीशान इलेक्शन का पहला प्रोग्राम जो मुनक्किद किया गया है, मैं यहाँ के सभी नौजवानों को मुबारकबाद देता हूँ जो नासिर हुसैन उस्ताद साहब का साथ देने के लिए कि हमारे अपने महल्ले के नौजवानों ने बढ़ चढ़ हिस्सा लिया है। यही जोश व खरोश हमको 10 तारीख तक देखना है। जनाब नासिर हुसैन उस्ताद साहब, जलसंगी साहब और डाइस पे बैठे हुए हमारे अपने पार्टी के जिम्मेदारान, ये मुसलसिल हम देख रहे हैं कि अपने जद्दोजहद में लगे हुए हैं। तो आज क्या बात है जो सारे शहर में, सारे गुलबर्गा के अंदर, नाम के अंदर, हर गली से, हर महल्ले से, हर घर से ख्वातीन क्या, नौजवान क्या, बुजुर्ग क्या, हर जगह से ये आवाज़ आ रही है, इस बार अगर कोई काम की करना है तो हम नासिर हुसैन उस्ताद का काम करना है। ये आवाज़ चुप नहीं आ रही है। आप ये समझ रहे होंगे कि नासिर साहब को कुछ चार चांद लगे हुए हैं और नासिर साहब के हित में इतने लोग क्यों बात कर रहे हैं, तो इसका भी हमको जायजा लेना पड़ेगा। इस पर भी हमें गौर करना पड़ेगा कि तुम्हारे जहन में ये बात क्यों आ रही है। जो लोगों के जहन में बात नहीं आ रही है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई एक उनके अपने वाकयात हैं जो एमएलए जीतने के बाद जो अपनी कारकर्दगी कौम और मिल्लत के लिए, शहर के लिए, नार्थ के लिए जो करना था, जीतने के बाद भी वो काम नहीं हो सका। मैं तनकीद नहीं कर रहा हूं। नासिर हुसैन उस्ताद इलेक्शन हारने के बाद भी जो उन्होंने अपनी कौम के लिए जो हमदर्दी, कौम और मिल्लत का दर्द रखते हुए, हारने के बाद भी मुसलसिल जो 5 साल तक उनकी कारकर्दगी को पूरी कौम ने देखा है। मार्केट के अंदर ठेला गाड़ी वालों को, क्योंकि अगर आपके छोटे मोटे कारोबार नहीं है तो ये मत समझिए कि हमको क्या तकलीफ है, लेकिन वो सोचिए जो हमारे अपने भाई जो छोटे मोटे कारोबार करने के लिए जो रोडों पे ठहरते हैं, कारपोरेशन की तरफ से उनको किस तरह से हरासमेंट किया जाता है। तो उस वक्त कोई आवाज जो जीतने वाली आज तक सामने नहीं आती, ये वही नासिर हुसैन उस्ताद है जो हर कदम पे अपनी कौम के उन गरीब मासूमों के लिए रोड ब्लॉक करके बैठता है, उनके मसाइल को हल करता है। आज रमजान के अंदर आपको एक बात बतलाना चाहता हूं, सिटी कॉर्पोरेशन की जो मार्केट है बाजार में, 2 साल से कुछ छत वगा कर गिरने की वजह से
कॉरपोरेशन बिल्डिंग खाली करने के लिए हमारे अपने लोगों को नोटिस दे रहे हैं। 80% लोग उसमें माइनॉरिटी के हमारे अपने भाई हैं जो कारोबार करते हैं। 2 साल से थक चुके वो MLA मैडम के पास जाते जाते, और वहां के लोगों का ये स्टेटमेंट भी मैं नहीं कर रहा हूँ, वीडियो है कि हमने इसका रिन्यूअल कराने के लिए 35,000 रुपये हमने खर्च किया, उसके बावजूद भी हमारा मसला हल नहीं हुआ। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, मैं नहीं कर रहा हूँ ये। और रमजान का महीना आया, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने का वक्त आता है, 2 पैसे कमा कर अपने रमजान के अपने अखराजात को अपने बीवी बच्चों को पालने के लिए जो मेहनत करते हैं, उस मार्केट के अंदर लाइट तक नहीं थी। टार्च लगाकर छोटे मोटे खंडीले लगाकर कारोबार कर रहे हैं, खर्च से पैसा लाते हैं, उधार पैसा लाते हैं कुछ कमाने के लिए, रोजगार के लिए, लेकिन उनका कोई पुरसान हाल नहीं था। ये वही नासिर हुसैन उस्ताद है जो वहां पर रोड ब्लॉक करके कमीशन को बुला के पुलिस को बुलाकर वहां बैठ के जो है मार्केट की लाइट चालू करते हैं, और तमाम के तमाम व्यापारी जो है खुशी से जो है कारोबार किए इस साल रमजान में। अगर कोई मार्केट का कोई आदमी है मेरी अगर आवाज सुन रहा है तो मेरे सामने आके बताएंगे बात गलत है, तो कई एक ऐसे मसाइल है। आंदाला स्वामी, हनुमान चालीसा बजाने के लिए सुपर मार्केट पहुंचने का चैलेंज किया, जनसंघी साहब भी यहां पर मौजूद हैं, उनके भी मैं मुबारकबाद देता हूं, जो हमारी अपनी कौम के साथ कदम ब कदम साथ देते हैं, साथ चलते हैं, ये काबिल मुबारकबाद हैं, वो भी जानते हैं। तो वो दावा किया कि मैं हनुमान चालीसवा महबस के सामने आके बजाऊंगा। आपको मालूम है कि कौन सा लीडर वहां पर आया? नासिर उस्ताद। उस्ताद आपके वोट नहीं लिया, आपने जीता नहीं, MLA नहीं, उसके बावजूद भी 5 साल तक आपके हर काम पे हर कदम पे आपके साथ है। और सबसे पहले सुपरमार्केट में महबस के सामने अगर कोई आके ठहरा तो ये शख्स है, वो नासिर हुसैन उस्ताद। तो ऐसे बहुत सारी अभी बातें हैं, वक्त कम है, तो मेरे दोस्तों ये प्रोपेगंडा जो चल रहा है, हमको घबराया जा रहा है, डराया जा रहा है। अगर वोट अगर जो है नासिर उस्ताद को देंगे तो BJP आ जाएगी। अरे भाई BJP खुद डरे हुई है कि इस बार जो है बातों बातों में इस बार हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं, कांग्रेस तो आउट है लेकिन नासिर उस्ताद जीत जाएगा। आज ये शहर की ये हालत है, क्योंकि देखिए मैं जो कह रहा हूँ जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, फिर दोबारा किसी स्टेज से फिर मैं बात करूंगा, क्योंकि मैंने भी 40 साल सियासत किया है, 40 साल मैंने भी कॉरपोरेशन में रूल किया है, मेयर रहा, डिप्टी मेयर रहा, खमूर साहब का वो भी दौर देखा है जो उन्होंने अभी MLA नहीं बने थे, उस टाइम से मैंने भी उनके सियासत में उनके साथ में रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, गुमराह मत होइए। अरे BJP आ जाती है, साउथ में कौन सी पार्टी है, रूरल में कौन सी पार्टी है, वहां भी तो BJP है साउथ में। क्या गोश बंद हो गया? क्या लोगों को हमारा आसान देना बंद हो गया? खाना पीना बंद हो गया? क्या रूरल में जो BJP है वहां पर क्या हुआ? ये डरा रहे क्यों है? तो याद रखो, और बाद लोग कहते हैं, बाद वीडियो को देखता हूं नासिर साहब, तो लोग कहते हैं अरे भाई वो फलां जो है हमारे रोडा नहीं थे, रोडा बनाए, वो हमारे पास जो पानी नहीं था नल आता था वो फलां करे, ये सब तमाम चीज़ें जो है आते थे। भाई MLA जो होते हैं, जो खयादत जो होती है नाली और रोड की नहीं होती। कोई भी MLA बनने दो, जो फंड आना आता है, जो रोड बनना है बनती है, हमको एक खाद चाहिए जो हर कदम पे जो ख्यालत करने वाली शख्सियत हो, वो आज जो है इंग्लिश उर्दू कन्नड़ा हर जुबान में लड़ने की ताकत अगर किसी में है तो नासिर हुसैन उस्ताद में है। मैं इससे हटकर आगे वक्त जब मिलेगा स्टेज पे बहुत सारी अभी ऐसी बातें होंगे, मैं अपील करता हूँ मेरे माओ बहनों से, इनका जो निशान है नासिर हुसैन उस्ताद का, अभी ने मौलाना ने बताया कि 3rd नंबर पे है उनका निशान, औरत और भारा है। जो लोग गुमराह करने के लिए आपके पास आएंगे
वो लोग उनके एजेंट हैं, वो लोग गुमराह करने के लिए तुम्हारे पास आएंगे। लेकिन इस बार का ऐसा माहौल नहीं है। सारे के सारे लोग जो 80% लोग आज की तारीख में नासिर उस्ताद की क़यादत को तस्लीम कर चुके हैं। मेरे इस्लामाबाद के भाई बहनों से, सभी से, या मेरी आवाज़ मीडिया के जरिए अगर हर जगह पहुंच रही है तो वहां पर भी मैं अपील करता हूं कि इस बार नासिर उस्ताद साहब को भारी अक्सर से जिताइए।